ऊपर से तकलीफ नहीं होती है। तो नहीं, सुनिए सर, शासकीय सेवक हो। देखिए युद्ध के जब देश को जरूरत थी तब आप लोग भाग गए, और उस समय सर कुछ सुनिए ना नहीं, सर एक, बहुत ज्यादा हमको ऐसे लोगों से सिंपैथी नहीं है। जब देश को जरूरत है तब आप भाग जाओ, और मान जब लो कोई पेमेंट हो रहा नहीं, है सरकार तो उसमें आपका भी लायक नहीं, आपकी 14 महीने की छुट्टी को अगर वो डाइस डाउन कर देंगे ना, सब लफड़ा हो जाएगा आपके पास, समझो। कुछ भी नहीं, ये हम बताएं कायदे से, अगर हम अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी होते ना तो हम ज्यादा पनिशमेंट पास कर दिए होते अभी तक। जब क्या हो गया भाई? पेंशन का इशू तो लॉर्डशिप को आया हाँ था, SDO एग्रीकल्चर और उनके अकाउंट ऑफिसर हैं, तो हाँ ये बता रहे हैं सर क्या प्रॉब्लम है उनका, छुट्टी क्या है साथ हाँ में, छुट्टी क्यों नहीं हो पा रहे इनका? का क्या नंबर भेज दिया जाए कहाँ से है? माइक उससे बताइए क्या लगाइए, माइक लगाइए। क्या। इनका छुट्टी का प्रकरण लंबित है सर, कितने दिन की छुट्टी का है? ये लगभग 14 माह 14 माह 14 माह। जी, कोरोना क्या हो गया था आपको घर साहब, छुट्टी क्यों लिए थे? हाँ के टाइम में सर मेरा ट्रांसफ़र बार बार जयपुर किया जाता था, तो हाँ 2019 में फिर जयपुर दोबारा ट्रांसफ़र किया गया और हाँ तभी कोरोना चालू हो गया। हाँ तो और मैं बीपी शुगर का हार्ट का मरीज भी हूँ, तो क्या हो? तो डॉक्टर ने मेरे को बेड रेस्ट के लिए 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते के हिसाब से छुट्टी आप कौन से डॉक्टर हो? दिया। हम कौन सर से PhD वाले डॉक्टर हैं सर PhD वाले हैं? जी हाँ सर। अच्छा, तो आपके खाते में कितने दिन की छुट्टी है बची है? सर मेडिकल में हमारी लगभग 9-10 महीने की छुट्टी बची है, मेडिकल और में कैसे 9-10 महीने? वो जो सर 1 साल में 10 दिन का फुल मिलता है और 20 दिन का हाफ मिलता है, वो तो लैप्स हो जाती है नहीं कैजुअल, होती मेडिकल में लैप्स नहीं होती तो सर। मेडिकल कहाँ मिलती है क्या? नहीं हाँ नहीं मिलती भाई। लघु कृत अवकाश के नाम अरे नहीं, वो तो कैजुअल लीव को बोलते हैं क्या? कैजुअल लीव को बोलते हैं क्या? जितनी की जो ग्रेच्युटी मिलती देते है, कैजुअल है? लीव है सर। मेडिकल लीव मिलती है क्या? हाँ तो मेडिकल मेडिकल छुट्टी मिलती है क्या? साल में 10 दिन का और हाफ में 20 दिन का काउंट होता है, वो और लीव रूल में लिखा हुआ है ना? नहीं, पर मैं जरूरी है कि अगर आप बीमार नहीं हो तो भी 10 दिन की छुट्टी नहीं मिलेगी? नहीं मेडिकल सर्टिफिकेट है सर उनके नहीं, अगर जिस, आप बीमार नहीं पड़ते हो तो छुट्टी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? नहीं फिर वो EL में मिलती है सर अर्जित अवकाश में, और वो साल में 300 दिन तक जुड़ती है फिर लैप्स होती तो है। अभी आपके खाते में कितनी अनलिव पैसा वो मिल गया अनलिव का? अर्ली भी 300 दिन करीब मैं फुल है 300 दिन, और लघु रत अवकाश में भी 9-10 महीने बकाया है, और 12 महीने का अवकाश हमारा बचा हुआ है अभी सेंक्शन होने को। काय का 12 दिन का अवकाश बचा है? ये 6 हफ्ते 8 हफ्ते के हिसाब से जो मेडिकल लिया था ऐसा नहीं, हमको तो जम नहीं रही ये बात। आपकी जो 300 दिन की अनलीव लीव है ना, एक काम करो, जी सर, आपकी ग्रेजुटी कितनी मिलनी है? हाँ ग्रेचुटी 90% दिया गया है अभी तो जुलाई 23 में। 90% तो मिल गया ना? हाँ और क्या क्या मिल गया इनको, बाकी जी सर। बताइए जरा। सर उस इस निवेदन उसमें सर एक कि जो हमने छुट्टी लिया था वो 4 हफ्ते 6 हफ्ते 8 हफ्ते के सातवां हिसाब से वेतन बेड मांग रेस्ट रहे दिया हैं, गया था। बाकी है नहीं दे दिए दे दे चुका दिए। हूँ सर, हाँ उपादान की 90% दिया हूँ सर इनको, हाँ 1,31,500 हाँ 13,15,354 हाँ ग्रेजुटी 90%। ये बीमा का भी बिल बन गया है सर 19,963 रुपये, ये 1-2 दिन में 5 तारीख के बाद बन बन जाएगा, थोड़ा ठीक जी। है। GIS का भी है सर, तो आप ऐसा करो ना, इनका लीव का केस किसके पास भेज दिया आपने? डायरेक्टर में गए सर डायरेक्टर को आप संख्या बोलिए कि कोर्ट चाह रही है। आप एक काम कीजिए, जी आप हमको 2:15 बजे एक बार बता के देखिए कि जी उनके लीव एप्लीकेशन की क्या स्थिति क्या है जी ना? जी अगर है तो कितने दिन में डिसाइड कर देंगे जी बता दीजिए, उससे हम डिस्पोज ऑफ कर देंगे। जी फिर अगर इनको कोई तकलीफ होगी तो जी फिर नया पिटिशन में आते रहेंगे, है जी सर। ना? इतना सर मेरा करते निवेदन है कि हैं। जो हमारा छुट्टी का 6-8 हफ्ते के हिसाब से उसमें 2 महीने का अरे DT वो 2 महीने का सेंक्शन किया गया है जुलाई और अगस्त 20 का, हाँ, 56 दिन का छुट्टी था वो, और इनको पावर है 60 दिन का छुट्टी सेंक्शन करने का, 4 दिन का पसंद साठ करें दिन का और 56 दिन का कर दिए ना? हाँ एक बार किए हैं अरे ये, और बाकी का वो जो 2-2 महीने का पावर है इनको पावर नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप तो एक ये बात बताएं शासन करनी है मिस्टर गर्ग, जी सर। एक तो आपने गलत काम किया, जब मिले जबकि पूरा कोविड पूरे देश में काम करने की जरूरत थी, आप लोग तो कोर्ट में बड़ी छुट्टी बीमारी के बहाना ले लिए। हम कोविड में, पूरी कोविड में यहीं से बैठ के पूरा काम किए ऑनलाइन में, क्या जयपुर का ट्रांसफर कर देते हुआ? सर तो बार ट्रांसफर बार, से तकलीफ नहीं होती है? तो नहीं, सुनिए ना सर शासकीय सेवक हो। देखिए युद्ध के जब देश को जरूरत थी तब आप लोग भाग गए,
और उस समय सर कुछ सुनिए ना नहीं। सर, अरे 1 मिनट, सन 19 में जब ट्रांसफर हुआ तो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा वो ठीक स्टे है, आर्डर था सर, वो उसके स्टे वो सब ठीक है, वो बात उसके सही है। बावजूद ना भी ना, बहुत ज्यादा हमको ऐसे लोगों से सिंपैथी नहीं है। जब देश को जरूरत है तब तो आप भाग जाओ, देश को जरूरत थी तो आप सब अपना आराम दराम ले लेके भागते गए, वो नहीं चलेगा। कुछ ऐसा नहीं था सर। नहीं, ये हम बताएं कायदे से, अगर हम अगर डिसिप्लिन अथॉरिटी होते ना तो हम ज्यादा पनिशमेंट पास कर दिए होते अभी तक। जब देश को आपकी जरूरत है तब आप भाग रहे हो तो क्या मतलब ऐसे समय में। बाकी तो हमें तो सब सुविधाएं दे रही है। अरे संकट के समय में तो काम करना पड़ता है देश के लिए, बाकी तो नेशन आपको सब कुछ दे रहा है, और क्या नहीं दे रहा आपके लिए, उसके बाद भी आप लोग काम नहीं करोगे। हमेशा एक ही है सर, इनका यहाँ मतलब इनके भूत के लक्षण पढ़ने में दिक्कत 19 है। महीने हो गए पीएचडी के। नहीं तो हिंदी आपके एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नहीं सर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है जब आप हिंदी। वहाँ पे एग्रीकल्चर, आप भाई वहाँ पे तो उस वक्त ऐसी स्थिति थी कि हर किसी को कहीं भी डिप्लॉयड कर रहे थे। सिपाहियों को देखो बेचारों को कितनी ड्यूटी की है, डॉक्टर्स ने की है, और उसके भाई कृषि विभाग में वैसा कोई वो नहीं था सर, और आपकी एग्रीकल्चर ड्यूटी वहां पे रहनी थी, क्योंकि कब इमरजेंसी लगी जाए, कहीं मान लीजिए आदमी नहीं है, मैन पावर नहीं है, सुपरविजन के लिए अवेलेबल नहीं है, आप लोग इतने सीनियर ऑफिसर हो के अगर रिस्क में फील्ड में उतरेंगे नहीं तो क्यों आपको प्रोटेक्शन सर मिलेगा। मैं बस में भी नहीं चल पाता इतना लंबा कि 250-300 किलोमीटर चल कहाँ पाता, देखिए, अरे हम तो खुद, तो हम बता रहे हैं, हम तो सरकारी पीडब्ल्यूडी की नॉन एसी गाड़ी में बैठ के रायपुर से बिलासपुर आए थे जब हम वकालत करते थे कोविड पहले राउंड में। हमारे पास अपनी गाड़ी को यूज करने नहीं करवा पा रहे थे, हम पीडब्ल्यूडी सर मैं अगर बस में चल, की गाड़ी में बैठ के आए थे रायपुर तक एक बार मैं गया काम था करने सर, के लिए। सोचिए सर मैं एक नहीं, बार गया था रायगढ़ तक ट्रेन में, फिर बस में बैठा और 15 किलोमीटर के बाद मैं बस में से उतरा, इसलिए कि उस समय मेरा हालत एकदम खराब हो गया था। हाँ तो फिर फिर जो दो छुट्टी मिल जाएगी वो आप दे दीजिए, इनका जो क्लेम है आप पूछ के बताइए डायरेक्टर को, आज 2:15 बजे बता दीजिए। सर, और जैसे 2 महीने का नो इनके मिस्टर, द्वारा नो स्वीकृत मिस्टर किया कर, गया है, आई कैन नॉट पास एनी ऑर्डर, लेट देयर टू टेक डिसीजन एंड दे ही विल इन्फॉर्म अस एट 2:15 व्हाट एट व्हाट टाइम ही विल टेक टू टेक डिसाइड द इशू। बाकी मेरिट में अभी हम कुछ बात नहीं करेंगे, 2:15 बजे बता दीजिए। सर एक निवेदन तो सुन लीजिए, वो ये छुट्टी का प्रकरण है, लेकिन जो पेंशन है और पेंशन के जो GPF GIS और वो वो तो FPF बता रहे ना, बिल बन रहा है ना, तो बिल बन अभी जाता है, 19 महीने तक सर हम इंतजार कर रहे हैं हम, कोई बात नहीं। तो ये तो पता चले ही, हर महीने आश्वासन मिलता है कि इस महीने तो कार्रवाई आपको हो एक महीने जाएगी में सारी पूरी। चीजें जो आपको जस्टिफिकेबल क्लेम है मिल जाएगा। अभी आप 2:15 बजे बताइए, हम डायरेक्शन दे देंगे कि बाकी जो भी जस्टिफिकेबल क्लेम है जिसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है उसको आप 1 महीने के अंदर सारी चीज क्लियर कर देंगे। 2:15 बजे बता दीजिए, आइए 2:15 बजे देखते हैं। सर और 90% एंटीसीपेटरी वाला जो, 2:15 बजे देखेंगे, 2:15 बजे आइए, जी सर जब सब चीजें सेटल होगी तभी होगा काम। पेंशन तो लॉटरी 90% पेंशन तो चालू हो चालू जाएगी हुई, विद इन 2 डेज लॉटरी, हाँ और वो मेडिकल लीव पे लॉटरी 2 बार तो ट्रेजरी ने यहाँ आपत्ति कर दी है। तो ये डायरेक्टर को डिसाइड करना पड़ेगा, लीव इन कैश में मतलब इनके पीरियड को रेगुलाइज करना पड़ेगा। जी व्हाट एवर यू वांट टू डू इट ना, हमें कोई मतलब नहीं कि आप कैसा कर रहे हो, आपको ये करना है कि करके नियमित करके जो भी करना है व्हाट एवर यू वांट टू डू डू इट, और समय पे सीमा में करके इनको। लॉटशिप इट हैज बीन और प्लेस्ड इन फॉर, एंटीसिपेटरी पेंशन मिल रही कि नहीं? अभी नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है, जी, अब बस नहीं अभी तो रेगुलाइज किया था सर, ये तनख्वाह चक्कर बंद किया था, हाँ रेगुलाइज किया था इनको, हाँ रेगुलर ये तनख्वाह निकल रहा था इनका, तो इसलिए रेगुलर किया था। हाँ अब इनको रेगुलर नहीं करके अब रिटायरमेंट किए हैं, तो ये हो गया सर, बिल बन गया है। तो अब पेंशन मिल जाएगी जी एंटीसीपेटरी, जी 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 कितने दिन में दे देंगे? एक हफ्ते, मैं 5 की बात सर, 5 की तारीख 5 तारीख बस जी, 5 की बात। 7, ठीक है। आपका क्या नाम है? सुखराम प्रसाद, हैं सुखराम प्रसाद आप क्या हैं? मैं वार्ड 2 में सर बाबू आप पूरा ऑफिस आप ही चला रहे हो? जी सर, ये क्या SDO बोलूं, एग्रीकल्चर, हैं ये SDO एग्रीकल्चर आए हैं। SDO एग्रीकल्चर अलोंग विद सुखराम, मेरे सुखराम असिस्टेंट ग्रेट, असिस्टेंट ग्रेट टू 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 हैज अपीयर बिफोर दिस कोर्ट एंड इन्फॉर्म दैट विद इन 10 डेज द एंटीसिपेटरी पेंशन ऑफ द पिटिशनर विल बी रिलीज मैं थोड़ा सा निवेदन करना एंड चाहता हूँ सर, सो फार एज रेगुलाइजेशन ऑफ इज एब्सेंट द मैटर हैज ऑलरेडी बीन रिफर्ड टू द डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टर एग्रीकल्चर गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़, है ना, दैट ही विल टेक, इट इज डायरेक्टेड दैट द डायरेक्टर एग्रीकल्चर विल टेक विल डिसाइड द इशू
within 1 month from today, है ना? एंड वी लीज दिस मैटर ऑन 8 अगस्त, तब तक पूरा सब इनका जी जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लीजिए, है ना? सर, थोड़ा सा मेरा निवेदन था सर, हाँ जैसे 30/9/22 को मेरे को रिटायर किया गया था सर, तो 19 महीने हो गए इंतज़ार करते पेंशन के लिए, और पेंशन प्रकरण नहीं बना तो पीपीओ जारी नहीं हुआ सर, और एंटीसिपेटरी पेंशन 9 महीने शुरू में रेगुलरली मिली है जुलाई तक, जुलाई से अभी तक पूर्णतया बंद है अब मिल जाएगी सर जी सर, एंटी। तो लेकिन और दूसरा कर्मचारी जो है रिटायर जून में जो हुआ, उसको जुलाई से अभी तक एंटीसिपेटरी पेंशन दी जा रही है, आपको भी मिलेगी ना, अब आपको मिल जाएगी, हमारा ये ऑर्डर हो गया ना। सर, और हमको ये बोलिए कि कुछ और ओरल ऑर्डर है जिसके कारण नहीं आपका नहीं नहीं आप दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं, अब हमारा ऑर्डर हो गया है, आपको और विदिन 10 डेज सारी चीजें एंटीसिपेटरी पेंशन एरियस भी मिल जाएगा और पेंशन भी चालू हो जाएगी। मिस्टर और ये निवेदन मिस्टर था सर डायरेक्टर, आप कि इनका एरियस भी दे दीजिए जी, ठीक है विदिन। सर ये निवेदन था कि जैसे रिटायरमेंट के बाद जितने गैप से हाँ वो मान तो लो पेमेंट हो कोई रहा है, मिस्टर गार्ग तो उसमें आपका भी लायक नहीं, आपकी 14 महीने की नहीं छुट्टी को अगर वो डाइस डाउन कर देंगे ना, सब लफड़ा हो जाएगा आपके पास, समझो। सर, एक मिनट सर, नो मिस्टर गार्ग, इनफ। विल यू लिस्ट दिस केस ऑन 8 अगस्त? यस दैट्स ऑफ।